ज्यादा लंबी हो गई।
शुक्र रब का हमको ऐसा वतन मिला है। खुशियाँ चलो मनाए, 26 जनवरी है। नगमा वतन का गाए, 26 जनवरी है। झंडा चलो उड़ाए, 26 जनवरी है। नगमा आइए इसके बाद एक तकरीर पेश करने जा रही है रबीजा शेख नाजिमुद्दीन साथी भी के तालिबा। आइए रबीजा शेख नाजिमुद्दीन। इनामात की तकसीम होगी। चलिए गीत के लिए आइए फिजा बानो शेख हबीब और आफरीन सैयद अलीम, इनके साथ शशुम पे की कुछ लड़कियां हैं जो बहुत ही खूबसूरत गीत आपके सामने पेश करने जा रही है। Bye.
मैं हमारे शाकिर साहब से गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि वो यहाँ आए और पंजुम का हुक्म के तुलबा और तालिबान जो मुख्तलिफ खेल और जिससे मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम हुए थे उनके इनाम के यहाँ ऐलान करेंगे। जोने जमुनिया के मौके पे जो खेलों के मुकाबलों का इनका किया रिजवान सर, तो जमात पंजुम से हफ्तों के इनाम का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ। जो जिस बच्चे का या जिस बच्ची का इनाम लिया जाएगा और फौरन स्टेज पे आया जाए। इसमें लड़के लड़कियाँ दोनों शामिल थे, तो लड़कों ने जो लिमू चमचे में तीसरा मुकाम हासिल किया सुफियान सलीम, वो यहाँ आए और अपना मेडल हमारे प्रधानमंत्री जनाब शाह अहमद साहब के हाथों से दे दिया। दूसरा इनाम हासिल किया था मोहम्मद उजैर अजीम ने, वो आए और अपना सिल्वर मेडल लेकर जाए। मोहम्मद उजैर अजीम दूसरा इनाम हासिल किया था मुजाहिद मोहसिन ने, जो छठी ए के तालिबे में, वो आए और अपना मेडल लेकर जाए। और पहला इनाम हासिल किया था छठी का तालिब इल्म है, जो राहिल रफीक है, वो अपना गोल्ड मेडल। इसी तरह सातवीं ए के लड़कों ने तीसरा मुकाम हासिल किया था रेहान फेरोज ने। और दूसरा मुकाम हासिल किया था अयान सलीम ने। और इसी तरह पहला मुकाम हासिल किया था मुस्तफा इमरान ने। इसी तरह अब लिंगू चमचे के लिए लड़कियों की बारी है, तो पासी तीनों पासी में से तीसरा मुकाम हासिल किया था इकरा अलीम ने। इकरा अलीम आए और अपना तीसरा मुकाम लेकर जाए, तीसरा मैडम। इसी तरह लिमू चमचे ने पांचवी जमात से दूसरा मुकाम हासिल किया था अश्मिरा अलीम ने। अश्मिरा अलीम मुकाम हासिल किया था उम्मे अम्मारा मुख्तार, वो यहाँ आए और अपना मेडल लेकर। इसी तरह सातवीं डी की लड़कियां, तो तीसरा इनाम जाता है हिना आरिफ शेर। हिना आरिफ जो रातों में उसको आने के लिए जमात शशु, फिर दूसरा इनाम जाता है उम्मे हनी मुख्तार। उम्मे हनी मुख्तार सिल्वर मेडल के हकदार बनी थी। जमात शशुन से पहला इनाम जाता है महरीन जाकिर हबीबी की तालिबा। तालियों में तंदुरुस्ती मत कीजिए, जोरदार तालियों के साथ बात कीजिए। इस तरह हफ्तों दे की लड़कियों में इसके बाद दूसरा इनाम जाता है जवेरिया इरफान। जवेरिया इरफान तीसरा इनाम जाता है, पहला इनाम जाता है जवेरिया यूसुफ। गोल्ड मेडल। इसके बाद में थैला रिम के मुकाबले हुए थे, तो थैला रिम के अंदर पांचवी जमात के लड़के, तो तीसरा इनाम गया था अयान अतीक।
दूसरा इनाम का हकदार बना था सुफियान समीर जो पांचवी डी के तालिब इल्म में तालियों से उनका इस्तेमाल कीजिए। और पहला इनाम जोयान अवेल के लड़के तो तीसरा इनाम लाया था शशु जमात से छठी डी का तालिबे में साकिब जाकिर आए और अपना तीसरा इनाम दूसरा इनाम लाया था आवेद जावेद किसान मैडम के लिए। और इस तरह शशुम समाज से पहला इनाम लिया था राहिल रफी हफ्तुम के लड़के हफ्तुम जमात से तीसरा मुकाम हासिल किया था रेहान जावेद ने। पहला मुकाम हासिल किया था पांचवी जी के तालिबे में जो फुरकान रफीक है पहला रेंज के लिए लड़कियों के जो मुकाबले लिए गए थे तो पांचवी जमात से तीसरा मुकाम हासिल किया था वो अफीफा खलीम। दूसरा मुकाम हासिल किया था फिरदौस शेख कलीम पंजाब सी के तालिबा नया। पहला इनाम मिजबा अजीम इनाम हासिल किया था सैरिश असलम ने। जमान शशु से दूसरा इनाम हुमेरा अमीन छठी डी की सहरिश इमरान। जमान हफ्तुम की लड़की हुमेरा शफी ये लड़के दरमियान कुलसुम नासिर और इसी तरह सातवीं नवेरा साजिद समा जिसके अंदर पांचवी क्लास के लड़के तो तीसरा इनाम जाता है दुल हसनैन नहीं तीसरी कोई बड़े तालियां बजा रहा है तालियों में किस तरह की बजा पांचवी बी से शाहिद अशफाक दूसरा मुकाम हासिल किया था इसने। पांचवी से अमान अजीम पठान दो हजार तालियों के पहला मुकाम हासिल किया था। अच्छा शशुन जमात से तीसरा इनाम जाता है हंजला शकील वो यहाँ आए और अपना इनाम लेकर जाए हंजला शकील। दूसरा इनाम राहिल रफी और पहला इनाम जाता है शशुन जमात से अब्दुल रहीम आरुण ने बजा कर और बहुत देर तक आगे बजाना है आपको तीसरा मुकाम है अब्दुल रहीम तीसरा हाँ उमर असलम तीसरा मुकाम। इसके बाद में अली शेख अहमद दूसरा मुकाम हासिल किया था इस बच्चे ने। और इसके बाद में लड़की इंस्टीट्यूट के लिए पांचवी जमात से तीसरा मुकाम आलिया अली। चलो जल्दी जल्दी आप इंस्टीट्यूट के लिए पांचवी जमात पांचवी से आलिया अली तीसरा मुकाम हासिल किया है इसने। दूसरे इनाम के लिए पांचवी बी के तालिबा इकरा अली पहली पोजीशन हासिल की थी मरियम शमीम ने। शशु बी की लड़कियां तीसरा मुकाम अर्शीन एजाज। और पहला मुकाम हासिल किया था महल पहली पोजीशन हासिल की थी स्टेचू में हफ्तुम जमात हफ्तुम से तीसरा मुकाम आयशा तौफी दूसरी पोजीशन।
और जमा कप्तुम से भी अपने पहला इनाम लिया था दिकरा गोल्ड मेडल लेकर जाए। इसके बाद स्लो साइकिलिंग में जमा पंजुन से कप्तुम के लड़कों की बारी है, तो पंजुन जमा से तीसरा मुकाम हासिल किया था स्लो साइकिलिंग में, अहसास हासिल किया था अयान अति चलो जल्दी जल्दी आपने, और स्लो साइकिलिंग में जमा पंजुन से पहला इनाम लिया था मुबशिर मुजफ्फर देशमुख। तालियां बजाओ जमात शानदार। स्लो साइकिलिंग तीसरा इनाम लिया था सुफियान सगीर। दूसरा मुकाम हासिल किया था जुनेद ने। वो यहाँ है और अपना दूसरा मुकाम यानी सिल्वर मेडल लेकर जाए। जमात शशुन से पहला इनाम स्लो साइकिलिंग में जाता है हुरेद शेख अली। अफ्तुम से तीसरा इनाम जाता है नुमान अमजद। अबुबकर अकबर। ऐसा लग रहा है जैसे और पहला मुकाम हासिल किया था उमर असलम लड़कों के साथ में स्लो साइकिलिंग के लड़कियों के भी मुकाबले हुए थे, तो पांचवी क्लास से तीसरा इनाम जाता है आफिया वासिक अली। जमात संयुक्त से आफिया वासिक अली तीसरा मुकाम। ये आवाज नहीं करे बड़ी दुनिया वाली शामिल। तबशीरा शेख नाजिर सिल्वर मेडल। इकरा अलीम ने इसके बाद में शशु जमात से तीसरा नाम लिया था आलिया रईस। दूसरा मुकाम जवेरिया रईस। जमा शशु से पहला इनाम लिया था सहरिश इमरान ने। सहरिश ने लड़कियों के लिए तो तालियां बजाई कम से कम। तीसरा इनाम जाता है अर्शिया हारून साक्षी सिंह की तालिबा और नादिमुद्दीन। जमा पंजुन से हफ्तों के लड़के लड़कियों के लिए, तो लड़कों ने जमा दे रनिंग के दौड़ के मुकाबले पंजुन से। दूसरा इनाम लिया था सुफियान समीर ने। उमेर आसिफ यहाँ है और अपना गोल्ड मेडल लेके जाए जमा पंजुन से। आवेश जावेद तीसरी पोजिशन जमात शशु से। मैं हारून दूसरा मुकाम हासिल किया था रनिंग में जमात शशु से, और पहले नाम का हकदार हुआ था राहिल रफीक जमात शशु के। अली शेख अहमद जमात हफ्तों के तालिब मादिद नईम। शुरू मत करो शाहिद मतीन। इसके बाद में नाम लिया था तबशीरा नादे। यहाँ आए ए सीटी वगैरह मत बजाइए, ये हमारी तहजीब नहीं है। अली और जमात पंजू से पहला इनाम जाता है नेहा पठान रईस। रनिंग के लिए तीसरा इनाम जाता है सहरिश असलम। दूसरा इनाम जाता है फरहीन अमजद एजाज अर्शिन एजाज। जमात हफ्तों से तीसरा इनाम जवेरिया यूसुफ इनाम अश्मीरा एजाज पठान सातवीं ए। Times like all you want to do is
नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद
लिए तकरीर पेश करेंगे 10वीं की तालिबा। Respected chief guests, principal, teachers, and all my dear friends, a very happy Republic Day to all of you. I am Mahino Razvi. Would like a few words about today's occasion. Today on 26 January, we all have gathered to celebrate 74th Republic Day of our country. Republic Day is a very important day for us. Our constitution came into force on this day in 1950. The Constitution of India is the longest written constitution in the world. Our country has developed rapidly in the fields of manufacturing, agriculture, technology, education, science, sports, and many more. But India also facing some problems like terrorism, inequality, corruption, etc. Let us all work together and make our country the best country of the world. Thank you. ये दहुम की तालिबा है भी जमान की मन से गुजारी शुरुआत हुई यहाँ पर एक गीत में। खोल दो लहरा दो लहरा।
जोरदार तालियां, गड़गड़ाहट, बिल्कुल एक गूंज उठेगी तालियों की आवाज। मेडल लेकर रवाना हो, कैप्टन यहां पर रुके। तालियां बोलिए बेटा। नहीं, 12 दे दो, तुम अब चले। इसके बाद हमारे जो सांघिक खेल हुए थे, इज्तिमाई खेल जो हुए थे, उसमें क्रिकेट के अलावा बॉयज के लिए रस्सा खेच भी था। तो रस्सा खेच के अंदर ये बड़ी अजीब बात है कि फाइनल के अंदर दो टीमें जो थी, एक 10वीं की थी और एक 8वीं की थी। बड़ा अजीब बात है कि ये ताकत का खेल है और ताकत के खेल के अंदर फाइनल खेल रही है 8वीं वाले बच्चे जो छोटे हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि 8वीं बी ने फाइनल खेला था और वो सेकंड रहे थे। जाहिर सी बात है सेकंड रहेंगे कि 10वीं के बच्चे उनके मुकाबले बहुत बड़े थे या ताकतवर थे। इस लिहाज से ये हार गए थे बेचारे, लेकिन फिर भी इन्होंने जज बहुत ही अच्छे तरीके से मुकाबला किया और ये सेकंड पर रहे। रस्सा खेच के फाइनल विनर थे 10वीं ए के बच्चे। यहाँ पर आ जाए, हाँ दे देंगे, बाद में दे देंगे। 10वीं ए के जो बॉयज है रस्सा खेच के फाइनल में जीता, नवीद एंड टीम यहाँ पर आए। इनको गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा खिलाड़ियों को और कैप्टन को ट्रॉफी दी जाएगी कैप्टन। इसके बाद हमारा जो सबसे फेवरेट गेम है वॉलीबॉल, जो हमने तालुका लेवल जीत चुके हैं, जिला लेवल भी जीत चुके हैं, विभाग पर हम पहुंचने वाले थे लेकिन इत्तेफाक से ना जा सके। अगर जाते तो यकीनन हम विभाग भी जीतते और रियासती टीम हमारी बन जाती। इसलिए इस लिहाज से हमारी फेवरेट टीम है वॉलीबॉल की टीम। इसके अंदर जो फाइनल, इसमें भी फाइनल 8वीं और 10वीं के बीच हुआ था, 8वीं ए और 10वीं बी। इसमें जो रनर अप टीम थी वो 8वीं ए थी, 8वीं ए की टीम और कैप्टन यहाँ पर आ जाए। इनको सिल्वर मेडल देना, सिल्वर मेडल दिया जाए और ट्रॉफी। अब इसके बाद जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, क्योंकि ये वॉलीबॉल की टीम नहीं है, हमारी रियासती टीम है, हमारे महाराष्ट्र की टीम है। इसलिए इनका बहुत जोरदार स्वागत कीजिए। दर्शी बी शायद जो कैप्टन है चलो, 10वीं बी वाले जो फाइनल के विनर है वॉलीबॉल के, यहाँ पर आए गोल्ड मेडल से नवाजा जा रहा है ना, जोरदार तालियां। मैंने पहले ही कहा कि हमारे स्कूल की विनर टीम नहीं है बल्कि विभाग की विनर टीम है या रियासत की विनर टीम है, मामूली बात नहीं होती इतनी दूर तक पहुंचना। तालियां बजाइए बेटा जोर से। जोरदार ताली, जोरदार एकदम, लगना चाहिए कि इनाम दिया जा रहा है। ए बेटा उठो वहां से, इधर हो जाओ। बैठ जाए बेटा, बैठ जाए। इसके बाद लड़कियों के लिए भी बहुत सारे इवेंट रखे गए थे और खास लड़कियों के लिए क्रिकेट रखा गया था। क्रिकेट बहुत दिनों से इसकी प्रैक्टिस चल रही थी। तालियों में बहुत कंजूसी हो रही है, बहुत जब बोला जाता है तब नहीं बजाते, जब नहीं बोला जाता तो आवाज के साथ बजाते हैं बेवजह। क्या ये कैप्टन आखिर में रहेगा? एक क्लास कंजूस लोग थोड़ा सा कंजूसी रखे बाजू में। मतलब 10वीं की जो फाइनल टीम है विनर है वो 10वीं बी है। 10वीं बी पूरी टीम यहाँ पर आ जाए, कैप्टन आखिर में है, थोड़ा सा लाइन बनेगी बेटा। मायनू गोल्ड मेडल,
ईयर इसमें सिल्वर मेडल से नवाजा जा रहा है। तीसरे नंबर पर आई थी बरीरा शेख अब्दुल जब्बार आठवीं ए, ये यहाँ पर आए और अपना सिल्वर मेडल ले जाए। कैप्टन आ जाए, कोई भी एक आ जाए। बरीरा कैप्टन बैठ जाओ। सिल्वर ये म्यूजिक चेयर, इसके अंदर सेकंड। हेलो, अब जो दूसरे इनाम थे एसी कॉम्पिटिशन और कैंटीन डे, इसकी भी इनाम से यहाँ पर आपको नवाजा जाएगा। अकेला ही शामिल हुआ था मैं अकेला ही चला था जारी में मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बढ़ता गया। तो बेचारा अकेला ही आया है। एक रेहान एक आसिफ आए और अपना सिल्वर मेडल ले ले। वो जोरदार तालियां, अकेला ही था, इसलिए तो मैंने चेयर कहा कि मैं अकेला ही चला था जारी में मंजिल, मगर लोग आते गए। इन्हें सिल्वर मेडल दिया जाएगा। अंशनाद अदीम शेख ये भी आ रही है, इसे सिल्वर मेडल दिया जाएगा। सिल्वर मैं मुजफ्फरपुर से गुजारिश करता हूँ, हमारे मेहमान है खुशी मेडल से नवाजे, ट्रॉफी सता है। पहला नाम जाता है दसवीं ए से अनम फातिमा शेख अब्दुल खालिक, ये ऐसे कॉम्पिटिशन में पहला नाम गया है। गोल्ड मेडल प्लस ट्रॉफी, जोरदार तालियां। ऐसे कॉम्पिटिशन में है खाने पकाने की, ये हमने जो जायके लिए है उस तालियां बजाने रहे आप खाली है। चाट पूरी क्योंकि पूरी पूरी अपना अमरीश पूरी ओम पूरी ये पूरी होगी, तो चाट पूरी आ गई। सेकंड इनाम चाट पूरी के लिए जाता है आठवीं ए को तंजिला शेख मुख्तार, आठवीं ए से तंजिला शेख मुख्तार। पहली दूसरी तीसरी चौथी के जो बच्चे हैं उनकी गाड़ी आ चुकी है, उनके पेरेंट्स बाहर खड़े हैं, वो मेहरबानी करके बाहर चले जाए। फर्स्ट टू फोर पहली से चौथी के बच्चे जो प्राइमरी के बच्चे, बहुत ही प्यारी डिश थी, बहुत ही प्यारा आइटम था, मुझे खास तौर से बहुत पसंद आया था। अब मिलेगा नहीं मिलेगा पीने के लिए खाने के लिए मुझे पता नहीं। ये थी चिकन जी अश्ना नदीम शेख दसवीं ए, वादा तो की नहीं पिलाने का, पता नहीं क्या करती से अश्ना नदीम शेख चिकन जी लाई थी, पलक झपकते ही खत्म हो गई थी। तो यहाँ पर इनामात जो तकसीम किया जो खत्म हुआ, आखिरी में एक शेर साहिल से खड़ा देखना यू खाली सदब को, साहिल से खड़ा देखना यू खाली सदब को, मोती की तमन्ना है तो दरिया में उतर जा। आप देखिए प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी मरहले में आ चुका है। अब हमारे पास जूनियर के 11वीं 12वीं के बच्चों को इनाम से नवाजना है, उन्हें सरफराज करना है। उससे पहले दो तकरीरें, और सबसे पहले मैं नूरा निसार को दावत दे रहा हूँ 12वीं जमात 12वीं ए की तालिबा के यहाँ आए। आज 26 जनवरी यौम आज़ादी के मौके पर अपनी बात की इब्तदाई शेर से करना चाहती हूँ। आज 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर अपनी बात की इब्तदाई शेर से करना चाहती हूँ कि लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम आजादी। आज 26 जनवरी है, हम 74वां यौम जमहूरिया बना रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करती हूँ। दोस्तों यौम जमहूरिया ये तमाम हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत ही बड़ा काबिले फख्र दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा दस्तूर अमल में आया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे आईन के ड्राफ्टिंग कमेटी के सदर बने, जिन्हें हिंदुस्तानी आईन का बाप कहा जाता है। अजायम जिनके पुख्ता हो कि जिनका खुदा पर हो, कला तुम खैर मौजो से वो घबराया नहीं करते, रखते हैं चारों से प्यार का जज्बा, वो लोग टूट के कभी बिखरा नहीं करते। आज हिंदुस्तान एक लिबरल और जमहूरी मुल्क है, हम यहाँ में जमहूरिया को हिंदुस्तान के कौमी त्योहार के तौर पर मनाते हैं। वतन के जान निसार वतन के काम आएंगे, वतन के जान निसार है वतन के काम आएंगे, हम इस जमी को एक रोज आसमां बनाएंगे, हम इस दिन को बड़े फख्र और खुशी के साथ बनाते हैं। यौम जमहूरिया हमें इत्तेहाद और मसामात का पैगाम देती है।
आज मैं ये कहना चाहूंगी, मेरा मुल्क सबसे प्यारा है, मेरा मुल्क, मेरा मुल्क सबसे प्यारा, मेरा मुल्क सबसे प्यारा है। मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पहचानी पे हिंदुस्तान लिख देना। खुदा हाफिज। आइए इसके बाद अफीफा जहांगीर देशमुख, ये भी 12वीं बी की तालिबा है और ये आखिरी तकरीर है इस तकरीब की। इसके बाद इनामात की तकसीम होगी। जनाबे सर, मौजी सताते इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज करती हूँ, पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज करती हूँ, खुदा के नाम से अपनी तकरीर का आवाज करती हूँ। 26 जनवरी का दिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में निहायत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी दिन हमारा आईन नाफिज हुआ। इससे कब्ल 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को आजाद जमहूरी मुल्क बन गया। बेशक इसी के लिए गांधी जी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे अजीम रहनुमाओं की कयादत में हजारों लाखों हिंदुस्तानी अवाम ने आज़ादी के परचम को बुलंद किया और अपनी बेमिसाल कुर्बानियों और इत्तेहाद व इत्तेफाक से अंग्रेजों से टक्कर ली और उन्हें मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बस इतना कहकर मैं अपने तकरीर का इख्तिताम करती हूँ। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हमारे दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रहता है। बहुत ही खूबसूरत तकरीर अभी आप सुन रहे थे। आइए बिल्कुल अब जूनियर के जो तलबा तालिबात हैं उनको इनामात से